तो पिछले एक दो मंथ से मैं कंटिन्यूअसली एक सुपर ट्रेंड यूज कर रहा था। आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे कई सारी वीडियोस में, एंड फिर जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता था उसमें भी मेरी एक सुपर ट्रेंड लगी हुई रहती थी। और आप लोगों ने कई बार ये कमेंट करके पूछा था कि सर ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, इसकी क्या सेटिंग्स है, प्लीज बताइए। तो मैं आप लोगों को हर एक बार एक ही चीज बोलता था कि इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। तो जब मैं कंफर्म हो जाऊं कि ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने लायक हो चुकी है, तब जाकर मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो फाइनली आज वो दिन है कि वो स्ट्रेटेजी जिस पर मैं बहुत दिनों से वर्क कर रहा था, जिसके बारे में जो भी कमियां हैं, जो भी खूबियां हैं, जिसे जानने की कोशिश कर रहा था, वो आप लोगों के साथ रिवील करूं। पर हाँ, क्योंकि मैंने ये स्ट्रेटेजी के पीछे लगभग 2 मंथ दिए हैं, तो मैं ये जानता हूं कि इसकी क्या कमियां हैं एंड कहां पर ये अच्छे से वर्क नहीं कर सकती, एंड क्या इसकी खूबियां हैं, कहां पर इस पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट किया जा सकता है। तो 2 या 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जिसे ध्यान से सुनिएगा, जिसके बाद इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो जो पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि इस स्ट्रेटेजी को कभी भी स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में और एंडिंग के 30 मिनट्स में आपको यूज नहीं करना है। मतलब इस सुपर ट्रेंड की जो भी आपको जो भी सिग्नल्स मिलेंगे, वो अगर स्टार्टिंग के 30 मिनट में मिल रहा है या फिर एंडिंग के 30 मिनट में मिल रहा है, वो आपको इग्नोर करने हैं। उस पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, ना ही उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। ये थी इसकी फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग का 30 मिनट एंड एंडिंग का 30 मिनट, जो भी सिग्नल मिलते हैं उसे अवॉइड करना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। जहां भी आपको सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे यहां पर आपको सिग्नल मिला, तो ये जो सिग्नल कैंडल होता है इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। इस सिग्नल कैंडल की स्ट्रेंथ को आपको देखना है, इस सिग्नल कैंडल की स्ट्रांगनेस को आपको देखना है। अगर कैंडल इस तरह से आपको देखने को मिले, मतलब एक डोजी टाइप की कैंडल हो, या फिर जैसे यहां पर अगर आपको अपट्रेंड का सिग्नल मिला है, तो अपट्रेंड वाला जो कैंडल है वो इस तरह का आपको देखने मिल जाए, इस तरह का एक कैंडल आपको अपट्रेंड वाला सिग्नल देखने को मिल जाए, कि इस तरह से आपको सिग्नल मिल रहा है लेकिन ये कैंडल इस तरह का है जिसमें आप साफ देख सकते हो कि ऊपर से रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो ऐसे कैंडल पर ट्रस्ट करके ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर आपको साफ देखने को मिल रहा है कि ऊपर से रिजेक्शन देखने को हमें मिल रहा है। तो इन तरह के जो सिग्नल्स होते हैं, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होता है या सिग्नल कैंडल होता है, उसकी स्ट्रेंथ को आपको देखना है, उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही उसमें विक्स छोटी होनी चाहिए, तब जाकर वो हमारे किसी काम के रहेगी, नहीं तो फिर वहां पर हमें सिग्नल्स को अवॉइड करना। तो अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो जिस भी कैंडल पर आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, जैसे यहां पर आपको इस कैंडल पर सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस कैंडल का जो हाई है हमें उसे नोट कर लेना है। और जब भी कोई कैंडल उसे ब्रेक करती है, तो आपको 5 पॉइंट का बफर रखना है एंड उसके बाद अपनी एंट्री को प्लान करना है। जैसे मान लेते हैं इस कैंडल का जो हाई है 19,000 का इस कैंडल का हाई है, तो कोई कैंडल इसे ब्रेक करती है और 19,005 तक पहुंचती है, तब जाकर हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। मतलब हम 5 पॉइंट का बफर रख रहे हैं, हाई जो था वो 19,000 था, लेकिन हम लोगों ने एंट्री कहां प्लान करी, हम लोगों ने एंट्री प्लान करी 19,005 पर, यानी कि 5 पॉइंट का हमने बफर रखा। ये इसलिए रखते हैं ताकि हम फेक ब्रेकआउट से बच सके, जहां पर फेक ब्रेकआउट होता है वहां पर हम बचने के लिए ये 5 पॉइंट का बफर रखते हैं। तो ये हो गई एंट्री की सिनेरियो, मतलब किस तरह से हमें एंट्री को प्लान करना है। साथ ही साथ अब चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ एंड समझते हैं कि हमारा क्या सेटअप रहने वाला है और क्या सेटिंग्स रहने वाली है। तो देखिए, जो भी मुझे लाइव मार्केट में फॉलो कर रहे हैं वो तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में लगभग सारे कुछ जानते ही होंगे, सेटिंग्स छोड़कर लगभग किस तरह से हम एंट्री प्लान करते हैं, कहां पर क्या सिनेरियो होते हैं सब जानते हैं। लेकिन जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहां पर बता दूं। जैसे देखिए, यहां पर सिग्नल हमें देखने को मिला, यहां पर हमें सुपर ट्रेंड का सिग्नल देखने को मिला, लेकिन यहां पर आप टाइमिंग को अगर नोट कीजिए, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं, यहां पर अगर आप टाइमिंग को नोट कीजिए तो बिल्कुल फर्स्ट कैंडल पड़े हुए सिग्नल मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस करी थी कि स्टार्टिंग के 30 मिनट को हमें अवॉइड करना है, अगर कोई सिग्नल मिलता है तो इस सिग्नल को हम अवॉइड कर देंगे, यहां पर हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, मार्केट ऊपर चलेगी नो प्रॉब्लम, पर हम यहां पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब एक और चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये सुपर ट्रेंड की लाइन साथ साथ चलती रहती है, ये मार्केट के नीचे नीचे साथ साथ चलती रहती है। ये हमें क्या बताती है, ये करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताती रहती है, कि मार्केट का करंट टेम्पोररी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां बनता चल रहा है। तो अगर मार्केट दोबारा इसके पास आती है तो यहां पर एक बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है री एंट्री का, यानी कि वैसी सिचुएशन जहां पर आप छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए। तो देखिए, मार्केट यहां पर फिर से आती है इस लेवल के पास, देखिए फिर से मार्केट आती है, तो यहां पर हम छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग को प्रेफर कर सकते हैं। और मैं पर्सनली यहां पर स्कैल्पिंग प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे पता है सुपर ट्रेंड टेम्पोररी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लेकर चलता है। तो इस लेवल के पास आया, देखिए हम लोगों ने सुबह वाली एंट्री को अवॉइड करा था, लेकिन जब यहां पर दोबारा आ रही है
तो इस एंट्री को हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हैं। तो जैसे ही यहां पर टच हो, यहां पर हम कोई बफर नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं, जैसे ही सुपर ट्रेंड के लाइन के बिल्कुल नजदीक आए, हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे किधर, कॉल साइड के लिए, हम सी साइड के लिए अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उम्मीद है यहां से सुपर ट्रेंड इसे सपोर्ट देकर मार्केट को ऊपर की तरफ भेजेगा। और देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई भी तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग आप एक दो कैंडल के लिए यहां पर कर सकते हो, यहां तक में आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है, आप इसमें लंबे ट्रेड के लिए बैठोगे नहीं, छोटी मोटी क्वांटिटी सिर्फ स्कैल्पिंग करोगे। तो सुपर ट्रेंड में सिग्नल वाली कैंडल पर तो हम बड़ी क्वांटिटी के साथ एंट्री कर ही सकते हैं, साथ ही सुपर ट्रेंड का जो लाइन चल रहा है वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिस पर अगर मार्केट आने की कोशिश करती है तो हम छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग को भी देख सकते हैं। फिर यहां देखिए, यहां डाउन ट्रेंड का सिग्नल हमें मिला इस वाली कैंडल में, तो इस वाली कैंडल को देखिए, नेक्स्ट डे का ये फर्स्ट कैंडल था, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सीधा अवॉइड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल लगभग स्टार्टिंग के दो कैंडल जो होते हैं 15 मिनट के दो कैंडल, उसे हमें अवॉइड करना है। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, मैंने अभी टाइम फ्रेम कौन सा लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है, साथ ही साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी जो देखने को मिलती है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलती है। तो अगर आप सपोर्ट, ये वाला जो मैंने सिनेरियो बताया था, ये वाला सिनेरियो, इस वाले सिनेरियो के लिए अगर आप ट्रेड देखना चाहते हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सुपर ट्रेंड के साथ कम कैपिटल के साथ ट्रेड लेना चाह रहे हो, क्योंकि ज्यादा कैपिटल के साथ आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाकर ट्रेड नहीं ले सकते, तो कम कैपिटल के साथ अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट जो सिग्नल मिला उसे अवॉइड करा, लेकिन देखिए सेकंड सिग्नल हमें यहां पर मिला, जो मिला है लगभग 10 बजे, तो हमें इस सिग्नल पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आधे घंटे के बाद का सिग्नल, तो हम यहां पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और देखिए इसका हाई ये लेवल पर है, इस लेवल पर जैसे ही ब्रेक होता है हम 5 पॉइंट का बफर रखेंगे, अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। और देख सकते हो आप मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है बिल्कुल शार्पली। यहां पर एक और एग्जांपल में आप देखो, ये देखो फर्स्ट कैंडल पर ही आपको सुपर ट्रेंड का सिग्नल मिला, तो ये तो हमें अवॉइड करना है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज नोटिस कीजिए, ये कैंडल कैसी बनी, जिस पर हमें ब्रेकआउट मिला, जिस पर हमें सिग्नल मिला, वो कैंडल बिल्कुल बेकार से बनी है, ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन है, डोजी टाइप की कैंडल। तो इसके इस तरह के कैंडल पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है, ना ही इसके ब्रेकआउट पर अपनी एंट्री को प्लान करना है। और साथ ही साथ ये फर्स्ट कैंडल था, तो यहां तो हमारा पहले से ही रिजेक्शन मिल गया है। साथ ही साथ अब देखिए, मार्केट जब आगे बढ़ती है और सुपर ट्रेंड पर आकर सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, जब मार्केट सुपर ट्रेंड के नजदीक आती है तो सपोर्ट बनाने की कोशिश करती है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या प्लान करी थी कि छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और देखिए अगर आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग को होल्ड भी करते हो थोड़े सिनेरियो के लिए, क्योंकि अगर आप एक दो क्वांटिटी के साथ अगर अपनी स्कैल्पिंग को होल्ड कर लेते हो तो देखिए कितना अच्छा यहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता था। अब यहां आप इस एग्जांपल में देखो, इस वाले कैंडल पर हमें सिग्नल मिला, लेकिन ये कैंडल देखिए नीचे से शार्प रिजेक्शन दिखा रही है, तो ऐसे कैंडल पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें विक्स ही 50% से ज्यादा है, तो इस तरह के कैंडल पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन देखिए जब मार्केट दोबारा ऊपर आती है तो सुपर ट्रेंड वाला लाइन तो हमें रेजिस्टेंस एक बता रहा है, तो इस वाले कैंडल पर तो हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर आया है तो नीचे रिजेक्शन खा सकता है, तो यहां पर छोटी मोटी स्कैल्पिंग देखी जा सकती है। और देखिए मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया और शार्प भी नीचे की तरफ गई भी। फिर देखिए आप इस वाले सिनेरियो पे देखिए, ये वाला आपको देता है अप ट्रेंड का सिग्नल और ये 3 बजे के पहले का कैंडल है, तो यहां पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए जिसमें सिग्नल मिला कितनी अच्छी कैंडल है, कितनी अच्छी बॉडी की कैंडल है, तो उस पर ट्रस्ट करके एंट्री बनाई जा सकती है। फिर देखिए यहां पर आपको मिला है डाउन ट्रेंड का सिग्नल इस वाले कैंडल में और ये है सेकंड कैंडल, डे का सेकंड कैंडल, मतलब पहले 30 मिनट के अंदर ही इसने सिग्नल दिया, पहले 30 मिनट के अंदर ही, तो इस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रेड नहीं बनाना। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो यहां से हम एक स्कैल्पिंग की ट्रेड को देख सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन खाना लगभग लगभग पॉसिबल रहता है, तो वहां पर एक स्कैल्पिंग की ट्रेड देख सकते हैं। और स्कैल्पिंग की ट्रेड में अगर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ले रहे हो तो एक दो क्वांटिटी हमेशा रखना चाहिए, ये एक स्मार्ट तरीका होता है स्कैल्पिंग करने का, कि मार्केट अगर बढ़ते जाए आपके डायरेक्शन में तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिले। तो बड़ी क्वांटिटी के साथ ले रहे हैं तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग कीजिए, लेकिन एक दो क्वांटिटी आप रख सकते हैं अगर आप चाहे तो, और अगर आप वो रखते हैं तो देखिए आपको कितना अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिन पर अभी हम लोगों ने नजर डाले हैं। साथ ही अगर आप मुझे लाइव मार्केट में फॉलो करते हो तो आप लाइव मार्केट में भी इसे कई बार यूजफुल देख चुके होंगे, मुझे यूज करते हुए देख चुके होंगे, जानते हुए किस तरह से इस पर ट्रेड प्लान करते हैं। अब इसकी अगर सेटिंग्स की बात करें तो इसकी सेटिंग्स के लिए बस दो ही चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है, एक होता है पीरियड, एक होता है मल्टीप्लायर। तो पीरियड आपको रखना है 10 का एंड मल्टीप्लायर आपको रखना है 1.3 का, ये दो चीजें आपको बस ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पर आपको ट्रेड लेनी है। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करते हो तो वहां पर मैं इसकी पूरी सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा, तो आप जाकर वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए एंड वहां पर मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, तो जाकर उसे कॉपी कर सकते हैं।
तो ये थी आज की हमारी जो सुपर ट्रेन की स्ट्रैटेजी थी जिसे मैं कई दिनों से यूज कर रहा था, उसके बारे में पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या कुछ आपके डाउट्स रह गए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। ऐसा शायद ही कोई कमेंट रहता है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता। साथ ही वीडियो कैसी लगी या फिर कुछ थॉट्स हैं जो मुझसे आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के ट्रेडिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।